एचपीटी अभ्यास केंद्रातर्फे मुक्त विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव सोहळा संपन्न झाला. या प्रसंगी वेदन्यूजचे प्रतिनिधी कमलाकर तिवडे यांचा गौरव करण्यात आला. समाजातील सर्वच घटकांपर्यंत शिक्षणाची ज्ञानगंगा पोहोचविण्याचे ध्येय यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाने ठेवले आहे. त्यासाठी बदलत्या तंत्रज्ञानाचा अभ्यासक्रमात वापर करण्याबरोबरच आगामी काळात वृत्तपत्र विद्या आणि जनसंज्ञापन विभागाच्या पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार असून काही अभ्यासक्रमांची पुनर्रचना देखील करण्यात येणार आहे. पत्रकारिता हे समाज घडविणारे माध्यम आहे, त्यामुळे पत्रकारांनी निरक्षीर विवेकबुद्धीने काम करून समाज माध्यमांमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करावी असे प्रतिपादन यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर ई वायुनंदन यांनी आयोजित गुणगौरव सोहळ्यावेळी केले. तो ये हमने एक एडवांटेज है ओपन युनिव्हर्सिटी सिस्टम में रीचिंग द अनरीच्ड. अनलाइक कन्व्हेंशनल युनिव्हर्सिटी वी कैन रीच एनी ऑफ द लाइक अभी सुबह सुबह वी हैव ए केवीके कृषि विज्ञान केंद्र एंड स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस. आपको पता होगा 40,000 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स ज्वाइन होते हैं एवरी ईयर महाराष्ट्र में. उसमें से हमारा 18,000 से लेकर 20,000 स्टूडेंट हमारे से होते हैं सर्टिफिकेट डिप्लोमा और डिग्री हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर. और खास तक सरकारी जो समाज उसका पेनिट्रेट बहुत किया केवीके ने और उनका एक एक का सक्सेस स्टोरी सुने तो आप बड़ा आज वो अनार जो प्रोमोग्रेट बोलते ना उनका सक्सेस स्टोरी वो जो लोग हमारे से सीख के गए और पूरा महाराष्ट्र में बता रहे थे 2,40,000 हेक्टर में ये अनार का होता है उसमें से 1,40,000 महाराष्ट्र में. सो सच इज दी आई मीन दे वर ऑल टेलिंग सर ये हमारा जो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा किया हमने YCMO से उसी से हमने प्रेरणा हुआ. और दो तीन जो चार लोग इतना लिटरेट नहीं है वो लोग खाली सर्टिफिकेट किया और पूरा भारत में फिर रहे वो उसका प्रॉब्लम कैसा ये प्लांट को और पूरा विदेश भी जा रहे तो वो सुबह का एक सक्सेस इतना. और एक एक प्रोमोग्रेट जो अनार होता है एक 800 ग्राम का है और नॉर्मली जो होता है प्रोडक्शन 20 किलो पर ईयर नहीं वो 80 किलो तक जा रहे हो लोग. तो ये सिंपल सटकर बड़ा साइंटिस्ट नहीं है वो लोग सिंपल फार्मर्स. तो ये एक अच्छा सा हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है ये भी एग्रीकल्चर से. तो एक लास्ट वीक ये जो अखिल भारत ग्राहक पंचायत का सम्मेलन हुआ वैसे में 500 लोग हैं पूरा भारत से तो उनका भी एक कंज्यूमर स्टडीज का कोर्स है. एचपीटी अभ्यासक्रमातर्फे आयोजित या गुणगौरव सोहळा प्रसंगी 15 विद्यार्थ्यांना स्मृतिचिन्ह देऊन त्यांचा गौरव करण्यात आला. मुक्त विद्यापीठाच्या वृत्तपत्र विद्या आणि जनसंज्ञापन विभागाच्या एचपीटी अभ्यासक्रमाच्या वतीनं विद्यार्थ्यांनी तयार केलेल्या वृत्तगंगा आणि ज्ञानगंगोत्री या अनियतकालिकाचे प्रकाशन देखील यावेळी करण्यात आले. सदर गुणगौरव सोहळ्यावेळी वेदन्यूजचे धडाडीचे प्रतिनिधी कमलाकर तिवडे यांचा देखील गौरव करण्यात आला. वेदन्यूजसाठी प्रतिनिधी कमलाकर तिवडे, एचपीटी महाविद्यालय.